नमस्कार, पटना खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजधानी पटना की फटाफट 11 ताजातरीन खबरें। पटना के मसौढ़ी डाकबंगला परिसर का होगा उद्धार। राजधानी पटना के मसौढ़ी स्थित डाकबंगला परिसर का जल्द ही कायाकल्प होगा, जिसके तहत अब इस परिसर का प्रबंधन किया जाएगा। बताते चले कि जिला परिषद की उपेक्षा के कारण यह क्षेत्र इन दिनों कूड़े कचरे का डंपिंग स्थल बन चुका है, लेकिन अब शीघ्र ही जिला परिषद द्वारा ही यहाँ चार दीवारी के निर्माण कार्य शुरू करने की बात बीते दिन कही गई। इसके तहत परिसर में जिला परिषद दुकानें बनाकर बाजार लगाएगी और फिर से क्षेत्र को गुलजार किया जाएगा। सूबे में 7 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से बीते दिन अधिसूचना जारी कर 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इसके तहत 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी गणेश कुमार पुलिस महानिरीक्षक हेड क्वार्टर के पद पर तैनात किए गए हैं। वहीं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पटना के पद पर तैनात 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन को पुलिस उप महानिरीक्षक रेल विहार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही पटना स्पेशल ब्रांच में पुलिस अधीक्षक राशिद जमा को भी अपराध अनुसंधान विभाग में अतिरिक्त विभाग दिया गया है। पटना की जयश्री बने युवाओं के लिए मिसाल। आज हम आपको पटना की रहने वाली जयश्री के बारे में बताना चाहेंगे, जो इन दिनों युवाओं के लिए मिसाल बन चुकी है। एक तरफ कोविड के कारण युवाओं में हताशा बढ़ गया, तो दूसरी तरफ साल 2018 में महज 13 साल की उम्र में ही आंखों की रोशनी खोने वाली जयश्री संगीत को माध्यम बनाकर अपना करियर संवार रही है। खास बात यह है कि जयश्री 12 भाषाओं में गाती है, जिनमें हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, गुजराती, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, तमिल और तेलुगु शामिल है। पटना में दिख रहा जुहू बीच सा नजारा। गंगा किनारे बसे शहर पटना में इन दिनों मुंबई के जुहू बीच जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। भद्रघाट से लेकर कंगन घाट के बीच बने गंगा पथ का नजारा बिल्कुल बदल चुका है और हर शाम यहां स्थित महावीर घाट पर लोगों की भीड़ सुहावने माहौल का मजा लेने जुट रही है। खास बात यह है कि पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के साथ ही यहां खाने पीने के स्टॉल और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ गए हैं। आज से पटना में पुलिस सप्ताह की हुई शुरुआत। पुलिस और आम जनता के बीच मजबूत कड़ी बनाने के उद्देश्य से आज से पटना में पुलिस सप्ताह का आगाज हो रहा है, जो कि 27 फरवरी तक चलने वाला है। आपको बताते चले कि राज्य पुलिस स्तर के इस कार्यक्रम में 4 अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, जिनमें शराबबंदी, महिला उत्पीड़न समेत अन्य सामाजिक विषयों पर नुक्कड़ नाटक व अन्य माध्यमों के जरिए पुलिस की टीम लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। HR एजेंसी के जरिए पटना मेट्रो में नियुक्त होंगे कर्मचारी। पटना मेट्रो में खास तकनीकी विशेषज्ञ कर्मचारी की आपूर्ति हो सके, इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने HR एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ये एजेंसी पटना मेट्रो के लिए बेस्ट मैन पावर सप्लाई कराने का काम करेगी। आपको बताते चले कि पटना मेट्रो का निर्माण कार्य की जगह पर शुरू हो चुकी है। पटना जंक्शन स्थित शौचालय अब हर इस्तेमाल के बाद होगा साफ। राजधानी पटना आने वाले रेल यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पटना जंक्शन में आपको साफ सुथरा शौचालय और बाथरूम मिलेगा, जिसके तहत हर इस्तेमाल के बाद उन्हें साफ किया जाएगा और यह सुविधा पहली बार पूर्व मध्य रेल में मिलने वाली है। आपको बताते चले कि यह सुविधाएं निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना आए तो गोलघर को ना करें मिस। अगर आप भी पटना आकर गोलघर अब तक नहीं घूम सके तो एक बार जरूर घूमें। गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित गोलघर को 1770 ईस्वी में आई भयंकर सूखे के बाद बनाने का सोचा गया था और यह पिछले ही साल अपने 235 सालों को पूरा कर चुका है। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखने की क्षमता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई पिलर नहीं है और इसमें 145 सीढ़ियां मौजूद। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र दीक्षित का हुआ निधन। पटना स्थित हिंदी दैनिक समाचार के संपादक रहे देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र दीक्षित का बीते दिन सोमवार को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शैलेंद्र दीक्षित की कर्मभूमि पटना रही, जहां वे 2014 तक संपादक के तौर पर काम करते रहे। वहीं सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी पटना में पत्रकारों को पत्रकारिता के गुण सिखाया करते रहे। उनके जाने से पत्रकारिता जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है।
पटना पायरेट्स टीम सेमीफाइनल के लिए तैयार। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए पटना पायरेट्स मजबूती के साथ तैयार है और कल यानी कि 23 फरवरी को पुनेरी पल्टन वॉर यूपी योद्धा के बीच खेले जाने वाले मैच के विजेता के साथ पटना टीम का मुकाबला होने वाला है। इसे लेकर पटना पायरेट्स के कैप्टन प्रशांत कुमार राय ने तैयारियों की बाबत बातचीत की और टीम को मजबूत बताया। आपको बताते चले कि 3 बार की पूर्व चैंपियन रही पटना पायरेट्स ने लीग स्टेज में 22 मुकाबलों में से 16 में जीत हासिल की है और अब सेमीफाइनल का सफर तय करने वाली है। अब जानते हैं पटना में आज सोने चांदी और पेट्रोल के क्या है भाव। प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत पटना में आज 50,150 रुपए रहने वाली है, जबकि प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 46,050 रुपए रहने वाला है। वहीं चांदी के भाव 64,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। साथ ही पटना में पेट्रोल 105.09 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं। बात अगर शहर के आज के तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री व अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। राजधानी की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।